AIMIM प्रमुख ओवैसी राहुल गांधी पर लगातार हमलावर हैं। इस बार उन्होंने राहुल गांधी पर सवाल करते हुए कहा कि वो अपने पूर्वजों की सीट अमेठी को बचा नहीं पाएंगे। दरअसल ओवैसी ने हैदराबाद के नामपल्ली में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ये अपने बाप की सीट हार गए, दादा की सीट हार गए और हैदराबाद आकर हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं। कांग्रेस उनको जनेऊधारी भी कहती है। तुम यहाँ वहाँ जाकर मुझे पुकारते हो, आओ हैदराबाद और लड़ो मुझसे। तुम सबको ले जाओ और बजाओ अपना बाजा। यहाँ हैदराबाद आओ और लड़ो मुझसे। तुम सारे चुनाव हारोगे मेरे लाल। जो कांग्रेस पार्टी है, बल्कि इनका जो यहाँ पर एक साहब आए हुए हैं जो अमेठी में इलेक्शन हार गए, अपने बाप दादा नानी का इलेक्शन सीट हार गए और हैदराबाद को आकर मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं श्रीमान राहुल गांधी, जिनको जनेऊधारी कहते हैं कांग्रेस के लोग। तो श्रीमान ने कह दिया कि मजलिस इतनी पैसे लिए, तुम इलेक्शन तो हार गए स्मृति ईरानी से, तो स्मृति ईरानी से तुम्हारी क्या डील हुई? मैं तो नहीं लड़ा वहां पर। हैदराबाद में मजलिस का मुकाबला हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट से करके दिखाओ मुझसे। मुझे यकीन है कि हैदराबाद की आवाम तुमको शिकस्त देगी, पार्लियामेंट में भी तुम हारोगे, असेंबली के इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह ताला तुमको शिकस्त होगी। बता दें कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने ओवैसी पर बीजेपी से पैसे लेकर बिकने का आरोप लगाया था। उसी को लेकर 3 नवंबर को हैदराबाद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा था, राहुल गांधी उनकी धार्मिक पहचान के प्रति नफरत के कारण उन पर ऐसे आरोप लगाते हैं। तब AIMIM चीफ ने राहुल गांधी से पूछा था कि क्या उन्होंने अमेठी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हारने के लिए भाजपा से पैसे लिए थे। उन्होंने कहा था, क्योंकि मेरा नाम असदुद्दीन है, क्योंकि मेरे चेहरे पर दाढ़ी है और मैं टोपी पहनता हूँ, इसलिए आप मुझ पर पैसे लेने का आरोप लगाते हैं। ये इस नाम और उसके खिलाफ आपकी नफरत है। आपको दाढ़ी और टोपी पहनने वालों से नफरत है, इसलिए आप मुझ पर ऐसे आरोप लगाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, UP तक।